हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डेटा में से मुझे किसी एक या दो कॉलम पे चार्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। क्योंकि जनरली जब हम चार्ट लगाते हैं तो पूरी की पूरी हमारा डेटा चार्ट लग जाता है, लेकिन क्या है कि मुझे डेटा में चार्ट नहीं, मुझे मंथ और मान लीजिए कि पी टू का चार्ट लगाना है तो हम कैसे लगाएं। इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मंथ को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके आप पी टू को सिलेक्ट कर लें और फिर इसको आप जो है चार्ट लगा सकते हैं चार्ट में जाके। तो पहले तरीका तो ये है, बट कभी कभी क्या होता है कि ये तरीका हमारा सॉल्व नहीं होता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम यूज करते हैं ब्लैंक चार्ट लेके। तो ब्लैंक चार्ट में हम जाएंगे, कोई भी एक चार्ट जो लगाना है आप एक ब्लैंक एरिया पे सेलेक्ट करके सिलेक्ट कर ले, ये ब्लैंक चार्ट कहलाता है। इस ब्लैंक चार्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सिलेक्ट डेटा और ऐड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज का हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और सीरीज का हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इक्वल करके इसका डेटा सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन ओके कीजिए। उसके बाद फिर वापस यहाँ एडिट पे क्लिक कीजिए सीरीज के लिए और आप सीरीज को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर सीरीज आ जाएगा, देन ओके कीजिए और इसके बाद चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो किसी भी ब्लैंक चार्ट्स को या टोटल चार्ट्स, टोटल पे चार्ट्स लगाने का तरीका आपके सामने है कि आप सेलेक्ट कर लें या फिर ब्लैंक चार्ट के थ्रू सेलेक्ट डेटा के थ्रू जा सकते हैं। इसी तरह के लॉन्ग और कंप्लीट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे मैंने 5000 से ऊपर वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो कि आपको लर्निंग में हेल्प करेगा। फिर भी आपको कोई डाउट होती है, किसी तरह क्वेश्चन होता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, जहाँ पर आपको सारे वीडियो सिक्वेंसली मिल सकते हैं। थैंक यू।